तो जय हिंद दोस्तों, आज हम यहाँ पे कुछ अपने गुजारिश के लिए उपस्थित मतलब वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। ये देखिए, आपको ये एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमारी सिस्टर की पिक्चर है, नज़दीक से थोड़ा आप देख लीजिए। ये हमारी बहन है, दीदी जी हैं। इनकी शादी 2017, 7 मई 2017 को शादी हुआ था, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के कामेश्वर नगर गांव में, सनावल थाना क्षेत्र है जो कि। उसके 1 से 1.5 वर्ष बाद हमने इन्हें जो भी उन्होंने तिलक में मांग किया था उस वक्त, वो डिमांड पूरा किया था। लेकिन उसके 1 से 1.5 वर्ष बाद यहाँ से दहेज के लिए उत्पीड़न होने लगा, मारपीट होने लगा। कभी कभी मार के घर से निकाल देते थे, तो कभी पीट के, कभी घर रात्रि में भगा देते, बेहोशी की हालत में कहीं कर देते थे। तो उसकी हम लोग कई बार समझौता किए उसको, और कई बार पुलिस स्टेशन से भी हमें समझौता कराया गया वहाँ पे, आपस में आपसी समझौता यहाँ पे, जिसका कि अभी ये देखिए आपको हम अभी दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते, ये पुलिस स्टेशन का यहाँ पे देखिए स्टाम्प सील लगा हुआ है, और इसे आपको हम यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे इसको कि क्या है उसमें। ये देखिए, वो जो है हमारी सिस्टर जो थी, वो पहले खुद लिखी थी कि ये हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे सास ससुर व पति मिल करके इस तरह से घटनाएं कर रहे हैं, मतलब उत्पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बाद से ये देखिए, हम लोग आवेदन दिए थे 5/9/2022 को, यहाँ पे डेट अगर दिख रहा होगा क्लियर, 5/9/2022 को ये डेट दिया गया था, दिए थे। और ये आखिरी बार बार लड़ाई होती रही, रंजिश इस तरह से उत्पीड़न, कभी कुछ मांगते, पैसा वगैरह मांगते, तो कभी कहते चैन नहीं दिए, कभी पलंग खटिया गदा ये सब वगैरह डिमांड करते रहते थे। उसकी शिकायत एक बार खुद उन्होंने अपने से की थी वुमेन हेल्पलाइन में, महिला आयोग में। इसके बाद हम लोग को ये 15 दिसंबर 2023 की घटना है कि हमारी बहन यानी कि इनको जहर खिला दिया गया, जहर खिला करके और घर पे रखा गया 1-2 घंटा, वहीं की जानकारी के अनुसार। फिर हम लोग घर वाले मतलब इनके, हमारे से हम लोग कोई सूचना नहीं दिया गया, और हमारे वहीं एक मौसी के घर है, उनके घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर पे, तो उन्हीं के मौसी के लड़के के थ्रू हमें जानकारी मिली किसी तरह से। तो ये सुबह की घटना थी 9 बजे की, जो कि हमारे मौसा वहाँ पे साथ में थे और उन्होंने ये सारी घटनाओं को देखा था, और ये उन्होंने मारपीट भी उनके साथ कुछ करने का प्रयास किया, और जब वो बोलने लगे तो इसके बाद जब वो हॉस्पिटल इधर उधर कहीं कहीं ले जाते रहे थोड़ा सा, मतलब कि ताकि 1-2 घंटे जब वो, तो पहले उनको मारना ही चाहते थे। पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई थी जहाँ की उन्हें मार पीट करके और जहर फेंक दिया जाता था, जहर की गोली, कोई बोतल वगैरह जो कीटनाशक होता है वो किले खा के मर भी जाए अगर नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो ये हमारा गुजारिश ये है कि उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, हम लोग पहुँचे तब तक वहाँ वार्ड ऑफ नगर थे, वार्ड ऑफ नगर से हम लोग अंबिकापुर के लिए ट्रांसफ़र किया गया, मतलब रेफर किया गया था हॉस्पिटल से। तो रास्ते में ही वो मतलब ये हमारी जो सिस्टर है एक्सपायर कर गई। इसके बाद जो हुआ कि हम लोग वहीं पे पीएम वगैरह कराए, उनके जो ससुराल वाले थे वो तो पीएम भी कराने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं मत कराइए ऐसे वैसे, तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती कराया वहाँ पर, पीएम वगैरह रिपोर्ट कराया। इसके बाद हम लोगों ने सूचना दी, ये देखिए सूचना है जो हम लोगों ने यहाँ थाने पे दिए, और वहाँ लोकल थाना प्रतापपुर पड़ता है जहाँ पे एक्सपायर हुई थी मेरी सिस्टर, तो वहाँ पे भी दिया गया, तो वहाँ पे 0 FIR लिया गया और दिया गया लोकल थाने में। तो हम लोगों ने सोनावल यहाँ पे थाने में दिया गया, और यहाँ पे अभी आप साइड में हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या है, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से कि घटना किस तरह की है। इसके बाद जब होता है कि जब हम लोग आरोप पत्र अपना लगाते हैं, जो बयान कहते हैं कि बयान लिया जाता है, तो बयान में SDOP साहब थे जो कि एक मजिस्ट्रेट हैं, पत्र राजपत्रित अधिकारी हैं, उन्हीं के थ्रू ये जांच किया जा रहा है। और
इसमें हमें बिल्कुल ही काला लग रहा है, मतलब ये गड़बड़ी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का बयान ही नहीं ले रहे हैं अच्छे से। जैसे ही उनके ससुर का नाम आता है पूरा भड़क जाते हैं, हम लोग से डांटने लगते हैं, ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे कहानी लिखने नहीं आए हैं। तो हम लोगों ने बोला कि सर अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो हम लोग लिख के खुद से दे देते हैं अपना जो हम लोग का बयान है वो। तो वो सीधे लेने से मना कर दिए, और हम लोगों की उस वक्त जानकारी ये नहीं थी कि ये सिग्नेचर वगैरह से, तो हम लोगों से सिग्नेचर भी करा लिए। और मेरी मम्मी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनसे तो पता नहीं उनका बयान में क्या क्या लिखा, बस जितना बोली लेकिन पूछे सब लेकिन लिखे नहीं हैं उस पर। तो इसमें कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। देखिए हम लोगों ने नाम दिया था, उत्पीड़न जो जो कर रहे थे पहले से भी उनका भी नाम दिया था, लेकिन FIR सिर्फ अभी तक एक पर किया गया है। वो भी ये कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और पूरी देखिए ये है, FIR सिर्फ प्रदीप यादव के साथ ही किया गया है, उनके पिताजी का नाम लेने पे। जबकि प्रदीप यादव से अगर हम कहें तो ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले उनके पिताजी थे, उनके पिताजी के आदेश पर ही प्रदीप ऐसा करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद हम लोगों ने FIR तो हुई एक पे, इसके बाद यहाँ देखिए हम लोगों ने उनके पिताजी के खिलाफ फिर से एक आवेदन दिया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। और ये हमें लगता है, हम लोगों ने बोला गया कि शादी वगैरह का कार्ड दीजिए, शादी का कार्ड भी दिया, पैसा का पूछ रहे थे कि मतलब दहेज वाला, तो दहेज का पैसा ये देखिए जो है, दहेज का पैसा का हम लोगों ने जो दिया है वो कुछ चेक के थ्रू भी दिया गया था उनके भाई के अकाउंट में। यहाँ देखिए उनके भाई सूर्यदेव यादव के अकाउंट में गया है चेक के थ्रू पैसा यहाँ पे। इसके बाद पैसा जाने के बाद, यानी कि दहेज वाला पैसा की बात है यहाँ पे, और मोटरसाइकिल दिए थे तो वो मोटरसाइकिल भी जब्ती कराए। और पुलिस पूरा मिली हुई है उन लोगों से, हमें पुलिस यहाँ की पुलिस पे जो सनावल थाना के क्षेत्र की पुलिस हैं और TI हैं, TI भापेंद्र साहू उनका नाम है, और वो उन पर तनिक भी नहीं है विश्वास नहीं है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा जांच नहीं कर रहे हैं। SDOP साहब के जिस तरह से हम लोग के साथ बर्ताव था, व्यवहार था, हमें नहीं लग रहा है कि वो जांच कर रहे हैं। हमारी कार्रवाई अच्छी नहीं हुई है। हमने SP महोदय से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे महोदय हम लोग से नहीं मिल पाए। हम लोग 3 दिन गए मिलने के लिए, लेकिन 3ों दिन मुलाकात नहीं हो पाया। तो हम लोग एक दिन ये देखिए आवेदन SP के अवगत कराने के लिए दिए हैं पूरा। और जो जो इसमें संलग्न है पहले वाला, मतलब जो है शादी कार्ड वगैरह है, इसमें जो थाना में आवेदन दिए हैं वो है मृतिका द्वारा पूर्व में दी गई आवेदन है जो कि पहले से प्रताड़ित हो रही थी, तो वो खुद यहाँ उनमें नाम दिया है उन्होंने कि कौन कौन से है, और FIR की कॉपी भी लगा दिए हैं। इसके बाद जो कि जहेज सूर्यदेव यादव लिए थे अपने अकाउंट में वो भी लगा दिया है हमने। तो हमें यहाँ की पुलिस पे भरोसा नहीं है बिल्कुल। इसके लिए हम आग्रह करते हैं कि हमारी जांच कहीं अच्छी हो, और ये सरकार से आवेदन करना चाहते हैं। ये रिश्वतखोरी करके ये एक मर्डर कर, इस तरह से अगर घटना होती रही तो हमारी बहन तो ये अब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये तरह से अगर पुलिस जांच करेगी तो घटनाएं घटने के बजाय ये बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस इसमें सहायता दे रही है अगर कहें तो। ये हमें 100% लग रहा है कि ये पुलिस यहाँ पे रिश्वतखोरी कर रही है उनके, क्योंकि जब्ती के दौरान भी हम लोग को 7 बजे रात में ले गया गया, और ले जाने के बाद पूरा गेट और मतलब दरवाज़ा खुलवाया गया। इसके बाद पुलिस हम लोग को फिर वहाँ से वापस की कि जाइए अब रात हो गया है, अब आज नहीं, तो पुलिस वहीं से सोची क्या थी। और ये देखिए FIR कॉपी में पुलिस की क्या है कि हम लोग आवेदन दिए हैं, ये देखिए आवेदन ये हम लोग दिए हैं, इसका डेट यहाँ पे देखिए है नीचे लिखा हुआ है 17 दिसंबर 2023, जबकि FIR कॉपी में पुलिस यहाँ पे लिखी है कि थाने पर सूचना प्राप्त करने का दिनांक 18, यहाँ लिखिए थाने पर। ये भी है पुलिस हम लोग का जल्दी से FIR भी नहीं वहाँ पे कर रही थी, क्यों पता नहीं क्या है, इसलिए हमें विश्वास नहीं है। हम आग्रह करते हैं सरकार से, यहाँ की छत्तीसगढ़ के शासन से या फिर यहाँ की प्रशासन से, प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, कि इसकी जांच ठीक से कराई जाए अच्छी से, और
इसके जो गुनाहगार हैं उस उनको कड़ी से कड़ी सजा जो भी है वो हम कानून का सम्मान करते हैं, उनको कानूनी तौर से सजा दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो ये समाज में बुरा मैसेज जाएगा और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जाएगी। तो आशा करते हैं कि हम अपने हमारे सिस्टर को तो अब हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी और की सिस्टर के साथ ये घटनाएं ना हो या और भी ऐसी घटनाएं ना हो। तो चलिए अब यही आग्रह, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो को सक्षम लोगों के पास पहुंच सके और इस पर उचित कार्रवाई हो सके।